सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स आरडी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i माइनस j प्लस 3k एंड विच पास थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 2 4 आल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म। तरह समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने बताया आपको। पहले तो गिवन क्या है, गिवन है एक पॉइंट, गिवन है एक आपको पॉइंट गिवन है, उसका नाम हम a लिख देते हैं, और बाय चांस उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 5 माइनस 2 4। और एक वेक्टर गिवन है जिसको कि b हम लिख देते हैं, वेक्टर गिवन है आपका 2 माइनस 1 3, मतलब 2i माइनस 1j प्लस 3k। 1j लिखो या j लिखो, j लिख दो, 1j क्या करो लिख करके। तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वेक्टर की पैरेलल है। तो हमने बताया था कि जब वेक्टर की बात हो रही है, तो जब किसी पॉइंट की बात होती है तो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात होती है, यानी जब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे जिसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल ए से, तो आएगा 5i माइनस 2j प्लस 4k। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए, थ्रू ए एंड, अब थ्रू ए के बजाय थ्रू ए ऐसे लिख दीजिएगा, एंड पैरेलल टू बी, पैरेलल टू बी। आपको यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, हमने इसका प्रूफ बताया भी आपको है। क्या बताया गया था, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर बोले तो आर, आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट होता है, कोई पॉइंट हो सकता है। ए बोले तो 5i माइनस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्या है, 2i माइनस j प्लस 3k, ये आपका आंसर हो गया। अब कह रहे हैं कि आल्सो रिड्यूस इट, रिड्यूस इट वर्ड को पकड़िएगा। हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया है कि हम वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, हम इंडिविजुअल वेक्टर इक्वेशन अलग निकालते हैं, इंडिविजुअल कार्टेशियन अलग निकालते हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसको रिड्यूस करिए, यानी इसी इक्वेशन को आपको कार्टेशियन फॉर्म में करना है। तो जब आप इन कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या करना होता है, आर इज द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट, r is the position vector of any point on the line, this r की जगह रख देना है आपको ix plus jy plus kz is equal to क्या है 5i minus 2j plus 4k plus lambda times of 2i minus j plus 3k। अब lambda के टर्म को, चूंकि ij के तो हटाना है आपको, अब lambda के टर्म को आप हटा दीजिए, मतलब हटा मतलब ऐसे ना रब कर दीजिएगा, लैम्डा को अकेला कर दो और जो और टर्म है इन सबको इधर ट्रांसफर कर लो, तो आई इधर आएगा तो एक्स के साथ आएगा, तो आएगा एक्स माइनस 5i कैप प्लस या आएगा वाई प्लस 2j कैप प्लस जेड माइनस 4k कैप इज इक्वल टू लैम्डा 2i माइनस j प्लस 3k। जब दोनों तरफ के कोफिशियंट को इक्वेट करेंगे तो i का कोफिशियंट आप लिखें इक्वेटिंग द कोफिशियंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ i j एंड k ऑन बोथ द साइड। तो i के साथ यहां क्या आ रहा है x माइनस 5, वहां क्या आ रहा है 2 लैम्डा, यानी कि x माइनस 5 अपॉन 2 बराबर लैम्डा। J के साथ यहां क्या आ रहा है y प्लस 2, वहां क्या आ रहा है माइनस का लैम्डा, यानी कि y y प्लस 2 अपॉन माइनस 1 बराबर लैम्डा।
और के साथ यहां क्या रहा है जेड माइनस फोर, वहां क्या रहा है थ्री लैम्डा, यानी कि जेड माइनस फोर अपान थ्री बराबर लैम्डा। इन तीनों इक्वेशंस को अगर देखें तो आप कहेंगे एक्स माइनस फाइव अपान टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू अपान माइनस वन इज इक्वल टू जेड माइनस फोर अपान थ्री। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, मतलब आप कार्टेशियन को अलग से निकाल सकते हैं, कार्टेशियन को आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि जब दिया गया है कि विद द हेल्प ऑफ वेक्टर यू हैव टू रिड्यूस इट इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो यू हैव टू अडॉप्ट दिस मेथड। ठीक है, एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। एक्स माइनस वन, नहीं वैसे तो सही है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो प्लस माइनस कहीं गलती हो तो उसको मैनेज कर लिया करिए। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और हमको दिक्कत हो। नमस्कार।